हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अक्षत अपने घर से मीलों दूर कश्मीर में काम के सिलसिले में आता है, जहां उसको नूर मिलती है। नूर एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। कश्मीर की सारी जन्नत जैसे उसी में समाई हुई थी। वो भी उसी की तरह कश्मीर की कंपनी की एक एम्प्लॉय थी। इस दौरान दोनों की मुलाकातें कब प्यार में बदल गई दोनों को ही पता नहीं चलता। लेकिन अब अक्षत के पास वापस जाने के सिवाय कोई और चारा नहीं था, इसीलिए वो नूर से बोलता है। नूर, मुझे 2 दिन बाद वापस जाना होगा, पर जब से तुमसे मिला हूँ लगता है तुम्हारे बिना रहना बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, इतना प्यार करते हो मुझसे? कोई शक है तुमको? नहीं बाबा, अगर मेरे बिना नहीं रह सकते तो मुझे अपने साथ ले चलो ना, अपनी पत्नी बनाकर। क्या मतलब, तुम शादी के लिए तैयार हो? अरे मैं तो डर रहा था कि कैसे मनाऊंगा तुमको, पर तुमने तो मेरे दिल की बात अपनी ही जुबान से कह दी। तुमसे प्यार करती हूँ जनाब, इसीलिए। और वैसे भी मैं तो ठहरी एक अनाथ, लेकिन जब से तुम मुझे मिले हो तो मुझे लगता है कि जैसे इस दुनिया में मेरा भी कोई है, इसलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अरे मैं तुमको पूरी जिंदगी खुद से अलग नहीं होने दूंगा। आई लव यू सो मच नूर। अक्षत और नूर कश्मीर के ही एक मंदिर में शादी कर लेते हैं, जिसके बाद दोनों अक्षत के घर राजस्थान आ जाते हैं। अक्षत अपनी माँ अनुराधा के साथ रहता था। उसके घर वापसी की खबर पहले ही उसकी माँ को थी, जो आरती की थाल लेकर उसका स्वागत करती है और अपने बेटे से पूछती है। बेटा ये कौन है, इतनी सुंदर लड़की? अरे तेरी बॉस है क्या? माँ, ये मेरी पत्नी है और तुम्हारी बहू नूर। अरे सच्ची? नूर तो सच में नूर ही है। हाय, इतनी सुंदर बहू पाकर मैं तो धन्य हो गई। अनुराधा अपनी बहू का स्वागत करती है। शादी के बाद नूर घर पर ही रहकर अपनी सास की सेवा का फैसला लेती है और अक्षत अपनी कंपनी में जाकर कश्मीर की सारी रिपोर्ट अपने बॉस पंकज को देता है। उसके काम से खुश होकर पंकज उसे प्रमोशन देता है, जिसके बाद अक्षत भी अपने बॉस को खुश होकर घर पर खाना खाने का न्योता देता है और सबको ये खुशखबरी सुनाता है। ये सुनकर अक्षत की माँ बोलती है, अरे ये सब तो मेरी होड़ सी बहू नूर का कमाल है। जब से उसके कदम घर में पड़े हैं ना, तब से सब कुछ शुभ ही शुभ हो रहा है। अब देखना, हम लोगों की हालत भी जल्दी सुधर जाएगी। अपनी माँ की बात को काटते हुए अक्षत बोलता है, अच्छा माँ, ये बहू पुराण बंद करो, कल बॉस खाने पर आएंगे घर, तो आप दोनों तैयारी कर लेना अच्छे से। आप चिंता मत करो अक्षत, मैं और माँ जी सारी तैयारी कर लेंगे। अगले दिन दोनों सास बहू मिलकर बहुत सारी डिशेस बनाती हैं। शाम होने पर अक्षत के साथ में उसका बॉस पंकज घर आता है। सभी बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तभी नूर शरबत लेकर आती है। नूर को देखकर पंकज हैरान हो जाता है, उसकी खूबसूरती को वो बस देखता रहता है। नूर उसको शरबत के लिए पूछती है, पर उसका पूरा ध्यान नूर के चेहरे से हट ही नहीं रहा था। अक्षत अपने बॉस को हिलाते हुए बोलता है, सर सर शरबत लीजिए। अरे हाँ हाँ लेता हूँ। नूर को देखकर पंकज खुद से कहता है, खूबसूरती की मिसाल है ये नूर तो, अगर इस अक्षत को ना बेचकर मैं खुद कश्मीर चला जाता तो आज ये मेरी होती। अब इस लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया, इसको कैसे अपना बनाऊं, कैसे इसको अपने साथ रखूं। सर क्या हो गया, किस सोच में डूब गए? कुछ नहीं, चलो खाना खाते हैं। इसके बाद सभी बैठकर खाना खाते हैं और खाना खाने के कुछ देर बाद में पंकज अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन वो हर पल सिर्फ नूर के चेहरे को याद करता रहता है। अगले दिन अक्षत काम के लिए निकल जाता है और उसके पीछे से पंकज अक्षत के घर आता है, जिसके बाद वो अनुराधा को अपने जाल में फंसाता हुआ बोलता है, वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए ना पंकज जी। वो मुझे आपकी बहू बहुत पसंद है, मैं उसकी मुंह मांगे कीमत दूंगा, माला माल कर दूंगा आपको, बस वो मुझे दे दो। अनुराधा ये सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन वो पैसों के लालच में आकर बोलती है, अच्छा
आप हमें मुंह मांगे पैसे देंगे? तो मतलब नूर मेरी हुई? अरे कोई बाहर तो बुलाओ उसको। इसके बाद अक्षत का बॉस उसकी माँ को पैसों से भरा हुआ बैग देता है, जिसके बाद अनुराधा नूर को बाहर बुलाकर बोलती है, अरे बहू सुन तो जरा, अपना ना सारा सामान पैक कर ले, तुझे अब इनके साथ जाना है। अपनी सास की ये बात सुनकर नूर हैरान हो जाती है और उसे बोलती है, माँ जी इनके साथ क्यों? क्योंकि मैंने इनसे तेरा सौदा कर दिया है, वो भी पूरे 10 करोड़ में। अरे तू तो लक्ष्मी है लक्ष्मी, जब से आई है बस पैसों की बरसात हो रही है, हमारा करोड़पति बनने का सपना तो तू ही पूरा करेगी ना। क्या बकवास कर रही हैं आप? अरे मेरे बेटे को तो कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी, पर इतना पैसा मुझे पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, समझी तू? और अपना ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, चल जा इनके साथ, मैं अपने बेटे को कह दूंगी कि तू भाग गई। बिल्कुल भी नहीं माँ जी, और मैं अक्षत को कॉल करके अभी सब कुछ बता देती हूँ। नूर अक्षत को कॉल करने जा रही होती है, लेकिन तभी नूर की सास उसको एक थप्पड़ लगाती है, जिसके बाद उसे धक्का देते हुए बोलती है, अरे ले जाइए इसको, और यहाँ पर आज के बाद इसे कभी मत लाना, और हाँ मेरे बेटे को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगी। पंकज नूर को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा होता है। नूर बहुत गिड़गिड़ाती है, अपनी सास के आगे भी वो बहुत रोती है, लेकिन उसकी सास उसकी एक भी नहीं सुनती, और नूर पंकज से बोलती है, आप थोड़ी तो शर्म कीजिए, मैं आपके एक एम्प्लॉय की पत्नी हूँ, आपकी बेटी समान हूँ, थोड़ा तो लिहाज कीजिए। शट अप, अगर अक्षत की जगह मैं कश्मीर आया होता तो तुम मुझे मिली होती, आखिर मेरे पास कमी ही क्या है, कितना रुपया पैसा है मेरे पास? बिल्कुल भी नहीं, मैं बस अपने अक्षत जी से प्यार करती हूँ, मैं पैसों के लिए बिक जाऊँ, मैं ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। पर अब तो तुम बिक गई, तुम अब मेरी हो और मेरा पूरा हक है तुम पर। पंकज जबरदस्ती नूर को अपनी कार में बैठा रहा होता है कि तभी वहाँ अक्षत आ जाता है, और ये सब देखकर नूर को बचाने के लिए बॉस से भिड़ जाता है। दोनों में खूब हाथापाई होती है। इतने में नूर पुलिस को कॉल करके बुला लेती है। पुलिस आकर लड़ाई को रोकते हुए पूछती है, क्या हुआ है यहाँ? सर ये मेरा बॉस मेरी बीवी को जबरन अपने साथ ले जा रहा था, इस कमीने को छोड़िएगा मत, मेरी बीवी को हाथ लगाया इसने, अरे जान से मार दूंगा इसको तो मैं। नहीं नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। आप लोग शांत हो जाइए और पूरा मामला बताइए क्या है। सर ये मेरा बॉस मेरी बीवी का किडनैप करके ले जा रहा था। ये सच नहीं है अक्षत जी, पूरा सच मैं आपको बताती हूँ। सच तो ये है कि माँ जी ने आपके बॉस के साथ मिलकर मेरा सौदा कर दिया और मुझे बेच दिया। इतने तमाशे के बाद अनुराधा बाहर आती है, जिसको देखकर अक्षत बोलता है, वाह माँ वाह, मेरी माँ होने का ना सही, कम से कम एक औरत होने का तो लिहाज रखती, चंद पैसों के लिए मेरी बीवी का सौदा कर दिया आपने, छी कितनी गिरी हुई सोच है आपकी। अरे वो बेटा, ऐसी लड़कियां तो पता नहीं कितनी मिल जाती हैं, पर इतना पैसा तू अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाता, बस तेरा भविष्य सुरक्षित करने के लिए मैंने ऐसा किया था। चुप रहो माँ, शर्म करो इस घिनौने काम को करके, मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं बर्बाद कर रही थी तुम, नूर मेरी जिंदगी है, उसके बिना मैं मर जाता ये नहीं सोचा आपने? बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने ये सब कुछ लालच में अंधी होकर कर दिया। ये गलती माफी लायक नहीं है माँ, अगर आज मैं सही वक्त पर नहीं आता तो मेरी नूर हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाती, इसलिए आपकी गलती की सजा पुलिस ही देगी आपको, सर ले जाइए दोनों को। इसके बाद अक्षत अपनी माँ और बॉस को पुलिस के हवाले करता है और नूर को गले लगा लेता है, जिसके बाद नूर अपने पति अक्षत के साथ एक बार फिर से नई शुरुआत करती है और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।